wrongs, I have just begun. Ain't no mercy. Ain't no चैप्टर वन की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है हमारे चेन नाम के बंदे का सीन, जो हमारे इस मानुआ का बोले तो एमसी है, बोले तो मेन कैरेक्टर है। इसका नाम चेन है। ये कह रहा होता है अपनी आंखें खोलते हुए कि यार मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमारा जब ये चेन कहता है उसको बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है और वो कहने लगती हैं वो आवाज़ें कि यार इसको दफन कर दो। और एक बंदा कह रहा होता है भाई इसको जल्दी दफन कर दो। बात सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से बोली गई हैं। तभी जो हमारा चेन होता है उसका सीन दिखाया जाता है, उसकी बॉडी के आसपास येलो कलर का एक रिंग सा ओरा सा घूम रहा होता है। और जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है कि यार ये सब क्या चल रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस इतने समझ में आ रहा है कि कोई मेरे को दफन करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमको अगला सीन दिखाया जाता है, जो हमारा चेन होता है बिना आँख खोले ही अपनी बाहर का सब सीन देख पा रहा होता है। और इस स्टेज को बोलते हैं मरने से पहले की जो आत्मा होती है वो बोले तो बाहर हो जाती है बॉडी के, और वो अपने बाहर जो लोग बाहर की चीज़ें सब देख पा रही हो रही होती है उसकी आत्मा। और वो कह रहा होता है कि यार ये लोग कौन है, ये लड़की मेरे को कहीं जानी पहचानी सी लग रही है, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर मैंने इसको कहीं देखा है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो आ जाएगी। तभी हमको दिखाया जाता है दो बंदे किसी बंदे के ऊपर मिट्टी डाल रहे होते हैं, और जिस बंदे के ऊपर ये मिट्टी डाल रहे होते हैं वो हमारा चेन होता है। और वो जो दो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इसको जल्दी से दफना दो वरना किसी ने देख लिया तो इस लड़की के साथ हमारी भी वाट लग जाएगी। तभी हमारी वो जो लड़की होती है उसके पास एक ग्रीन हेयर का लड़का आता है, ग्रीन बालों वाला एक लड़का आता है, और वो कहने लगता है कि मिस आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी बातें तो हम रोज सेटलमेंट करवाते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। पर जो हमारी वो लड़की होती है वो कहने लगती है हाँ साले मैं तो ऐसे रोज बंदे लाती हूँ जिसको तू सेटल करवाता है ना। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं था। फिर हमारी वो जो लड़की होती है बकवास छोड़ जल्दी इसको दफन कर और यहाँ से मेरे को जाने दे। तभी हमको बताया जाता है ये जो लड़की है जिस लड़के को दफन करवा रही है बोले तो हमारी चेन को दफन करवा रही है वो इसका हस्बैंड है, और ये अपने हस्बैंड की मौत का तमाशा देख रही है दफन करवाते हुए, और इसको मजा आ रहा है और ये कहने लगती है मैं इस जैसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ जो एकदम उल्लू टाइप का था। तभी जो हमारा चेन होता है कहने लगता है हारी कुतिया तेरा नाम तो क्या था कोई, हाँ तूने आज से कुछ दिन पहले जब तेरे को बवासीर हो रखी थी तब तूने मेरा ही याद करी थी और मेरे से ही शादी करी थी अपनी बवासीर दूर करवाने को, तब भूल गई मैं कौन था। तभी हमारा जो चेन होता है अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जिम चैन है, तो मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में चैन बोला है, इसी कास्ट का नाम लेके बोल रहा हूँ मैं चैन, ठीक है। तो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है मेरी उम्र 18 साल है और मैं 8 गांव के अंदर एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरे को किसी की भी अगर तुम पूछोगे ना चैन कौन है तो सब 8 गांव वाले क्या बोलेंगे वो एक मूर्ख आदमी है। और मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं एक बार ना घर से बाहर जा रहा था बोले तो खाना पीना खाने के बाद बाहर टहलने को जा रहा था, तभी मेरे सामने कुछ गाड़ियां आके रुकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप की गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं जो गु परिवार के होते हैं, और वो सब मेरे को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं क्या तू हमारी मिस से शादी करेगा। तो मैंने भी मजाक में बोल दी हाँ करूँगा करूँगा। तभी उन लोगों ने मेरे को पकड़ा गाड़ी में डाला और अपनी लोंडिया बोले तो कोई से शादी करवा दी मेरी, और मैंने कि मेरे को फ्री में वाइफ मिल जाए तो क्या लेने में क्या हर्जे मेरा, मैंने भी शादी कर ली। और शादी के कुछ दिनों के बाद मेरे को ये पता लगा कि ये जो की है कोई इसने मेरे से इसलिए शादी करी है क्योंकि इसको एक बवासीर नाम की बीमारी है जो किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो सकती थी, वो सिवाय एक पंडित ने बता दी थी कि चैन नाम के बंदे से शादी करवाओगे तो इसकी जो बवासीर है वो चली जाएगी, उस साले पंडित को मेरे को मिल जाए मैं उसको मार डालूंगा क्योंकि साले ने मेरे को फंसा डाला और मैं आज मर गया। क्योंकि मैं इसलिए मर गया मैंने इस लड़की पर कुछ ज्यादा भरोसा कर दिया था, मैंने तो बोला मेरी साले लाइफ सेटल हो गई, पागल होने के बाद भी मेरे को मूर्ख होने के बाद भी एक वाइफ मिल गई सुंदर सी मजे करने को, और मैंने मजे भी बहुत करे उस लड़की के साथ, पर एक दिन क्या करा उसने मजे में मुझे घेर पिला डाला खाने के साथ, और खाते ही साले मेरे मुंह से खांसी आने लगी, खांसी आने के बाद मेरे मुंह से खून भी आने लगा, और खून के आने के बाद मैं तो जमीन पे गिर गया। और ये साले इतने हरामी है गुप्त परिवार के लोग, इन लोगों ने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं मर चुका हूँ, इन लोगों ने चुपचाप मेरी बॉडी उठाई गाड़ी में डाला मेरे को यहाँ दफन करवाने को आ गए हैं। पर मैं आज तुमको एक बात बताऊँ कि जब मैं मरा था ना उससे कुछ देर पहले ही मेरे ऊपर आसमान से बिजली गिरी, और बिजली गिरते ही मेरे को एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो मेरी बॉडी को अपनी बॉडी बनाने के लिए आया हुआ होता है, और वो मेरी बॉडी को अपनी बॉडी बनाने वाला होता है, पर उससे पहले मैंने उसकी जो बॉडी की पावर थी वो सब की सब मैंने खींच ली बोलते हो, उसको मैंने ख़त्म करके उसकी सारी कल्टीवेशन पावर सब मेरे अंदर आ गई, और अभी मैं बिल्कुल मूर्ख नहीं हूँ भगवान की कृपा से, अभी मैं होशियार आदमी बन गया पावरफुल आदमी बन गया, बॉडी छोड़ी आ गई है वो अभी आ जाएगी पर आई नहीं अभी, पर मैं इतना लिख के दे सकती हूँ ये जो गू परिवार है और ये कोई कुतिया है ना इन दोनों लोगों से मैं गंदा वाला बदला लूंगा क्योंकि इन लोगों ने मेरी लाइफ को झंड करके रख दिया है। तभी हमको दिखाया जाता है हमारी जो कुई होती है वो किसी से कहती है ब्रदर कुई, ब्रदर बी करके किसी को बोलती है, सॉरी ब्रदर बी करके किसी लड़के को बोलती है, और ये जो लड़का होता है यही ब्रदर बी होता है, और ये कहने लगता है हाँ मेरी जान। तो जो हमारा ये ब्रदर
कुई बताया मैंने भी, कुई जो होता है इसका नाम हुआ क्या था, ब्रदर कुई। ये जो होता है ये हमारा डिंग फुंग ग्रुप है उसका ये एक मैनेजर है और अच्छी खासी पोस्ट पे है, पर हमारी चेन की नज़रों में एक कुत्ता है जो उसकी कुतिया वाइफ के पीछे पड़ा रहता था, उसके सामने भी और उसके मरने के बाद भी। और ये जो हमारी कुई होती है वो हमारे कुई ब्रदर कुई थोड़ा समझ जाना मेरे बी बोल दूंगा इसको, ठीक है। हमारी जो कुई होती है वो बी से जाकर छिपट जाती है और बी जो होता है वो कहने लगता है हाँ मेरी जान आ जा गोदी में। और फिर जो हमारी कुई होती है कहने लगती है यार ये बात तो चलो ठीक है, हम लोग तो कर लेंगे वो सब चीज़ करनी होगी, पर तुम यार मेरे से शादी कब करोगे, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी वरना मैं तो। पर जो हमारा बी होता है उसकी गर्दन पर चाटने लगता है, कहने लगता है यार तुम क्या दिक्कत कर रही हो, अभी मेरी फैमिली में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं जिसके कारण अभी मैं शादी की बात नहीं कर सकता अपने घर में, पर तुम दिक्कत मत लो, मैं धोखे देने वालों में से लोगों में से नहीं हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम दिक्कत मत लो। और जो हमारी वो कोई होती है कहने लगती है ब्रदर कोई आप ये क्या कर रही हो मेरे साथ, और भाई अभी भी समझ नहीं पाई ब्रदर बी क्या करना चाह रहा है, इसके साथ समझ जाओ, सब लोग समझ गए होंगे ये क्या करना चाह रहा है। और जो हमारा बी होता है वो पेंट वेंट खोल कर तैयार हो जाता है मजे करने को, और कहने लगता है इस दिन का इंतजार मैं सालों से कर रहा था, तो भाई इस दिन का इंतजार कर रहा था भाई सालों से, मरने के बाद हमारी चैन के बाद अब ये करना चाह रहा है हमारी कोई के साथ। तो जो गाड़ी के अंदर पीके वाला सीन हो जाता है, गाड़ी हिलने लगती है और कुछ देर के बाद हमको सीन दिखाया जाता है उस ग्रीन हेयर वाले बंदे से पीछे का, कि उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है और जो हमारा ग्रीन हेयर वाला बंदा होता है वो कहने लगता है देख यार क्या मजे चल रहे हैं भाई, ये लोग भी मजे ले रहे हैं, बेशरम आदमी गाड़ी के अंदर कर रहे हैं, बाहर के लोग सब देख रहे हैं इनको ये क्या कर रहे हैं। पर हमको दिखाया जाता है जो हमारा चेन होता है वो उठ खड़ा होता है उस गड्ढे में से और उसको देख के जितने भी लोग होते हैं उनकी सबकी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होती है, क्योंकि भाई उन सबकी फट गई होती है क्योंकि उन लोगों ने साक्षात भूत को देख लिया होता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये चैन नाम का बंदा बोलते हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका था, बट अभी उनके सामने जिंदा हो गया और वो सबके सब भूत भूत चिल्ला के यहाँ से भाग जाते हैं। और ये दोनों बी और बोलते कुई ये दोनों के दोनों जब अंदर से देखते हैं बाहर की तरफ कि हमारा जो चैन है वो उठ खड़ा हो चुका है और वो इतना ज़्यादा डेविल टाइप का लग रहा होता है कि उसके पीछे से करंट भी आ रहा होता है और हमारा जो चैन होता है उन लोगों से बड़े स्वैग से बोलता है कि यार नमस्ते, तुम लोग मेरे मरने का इंतजार भी नहीं कर सकते तो उससे पहले ही मजे करने लगे। तभी जो हमारा बी और कुई होती है वो गाड़ी के अंदर से देखती है और हमारी जो कुई होती है वो कहने लगती है कि क्या आप मरे नहीं हो क्या अभी, तो हमारा जो चेन होता है वो कह रहा है हाँ हाँ ये मरने वाला हूँ बस। तो जो हमारा बी का कोल पकड़ता है हमारा चेन और गाड़ी से बाहर निकाल के जमीन पे पटकता है और उसके अंडों पे लात मारता है और कहता है साले मेरी बीबी को मेरे सामने मजे कर रहा है अभी ले, और उसके अंडे का चूरमा बना देता है। और तभी बड़ी कृपी तरीके से देखता है हमारी कुई की तरफ और कहने लगता है मैं तेरे को कैसे भूल सकता हूँ कुत्ती साली, मेरे को मरने तो देती तभी मजे कर लेती। और जो हमारी कुई होती है उसकी तो फट के चार हो गई होती है, कहने लगती है मेरे साथ कुछ मत करना, मेरे को मत करो कुछ भी। तभी हमको अगला सीन दिखाया जाता है हमारा जो चेन होता है को किसी के ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है और वो जिसके ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है वो हमारी बी और कोई होती है। और जो हमारा बी होता है वो कहने लगता है यार मेरे को माफ करना, मेरे को नहीं पता था कि तुम अभी जिंदा हो, अगर जिंदा होते तो मैं तुम्हारे सामने कभी ऐसा नहीं करता। तो हमारी जो कोई होती है वो कहने लगती है यार मुझे तो माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे माफ कर दो, ये माता जी मुझे माफ कर दो। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है यो चेन तुम जैसन को तो नहीं छोड़ने वाला, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर इस हालत में तुम्हारी जो फोटो वोटो खींचूंगा और तुम्हारी जो फैमिली है उनको बर्बाद करने का नाम याद रखना मैं ही बर्बाद करूंगा। और धमकी देके वहां से चले जाता है और रिपोर्टर के साथ बुला लेता है और कुछ ही देर के अंदर वहां फोटो वोटो भी खींचने लगती है। तभी जो हमारा चेन होता है वो कहने लगता है तुम लोग दिक्कत मत लो, तुम्हारी ये जो शादी है उसके लिए मैं तुमको मुबारक देता हूँ, बोल तो खुशखबरी क्या जो भी मतलब बधाइयाँ देता हूँ, पर तुम इस समय को भी गिन लेना कि आज तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश करा है उसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा फ्यूचर में, और मैं तुम लोग को छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर हमको अगला